हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग एंड बर्ड्स। आज हम आए हुए हैं सरोदे सर के यहाँ पे। सर नमस्ते। नमस्ते। आपके बारे में बात बताइए सर। सर मैं प्रकाश सरोदे, हाँ, एवडीसी ऑफिस में एम्प्लॉय था। अच्छा। ये जनवरी महीने में रिटायर हूँ। अच्छा। अरे झाड़ों का शौक मुझे कम से कम 30-35 सालों से है। अच्छा। मगर 30-35 सालों में तीन स्टेज ऐसे आ गए कि कुछ घर का कंस्ट्रक्शन या तो फिर कुछ आउटिंग तो था, तब कुछ झाड़ों के हमारे वैरायटी चले गए, मगर फिर भी अभी हमने कलेक्शन चालू किया है। अभी जब शूटिंग चालू है तब मेरे को दुख इस बात का है कि इस 15 दिन में जो धूप हुई है वो जितना मेरा नुकसान झाड़ों का धूपकाले में नहीं हुआ, ये 15 दिन में हुआ। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ कुछ पान ऐसे जल गए हैं, ये धूप की वजह से हो गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपन मेंटेन करते नहीं है। ये जो पॉट देख रहे हैं आप, वेल मेंटेन तो नहीं है मगर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम इसको पॉट को कोई केमिकल या फर्टिलाइजर ऐसे कुछ यूज नहीं करते हैं। काउडंग जो मैनुअल रहता है और मट्टी, इसी में हम करते हैं। सर इसके बारे में कुछ बताइए, ये झाड़ के बारे में। अच्छा, ये इपीसिया बोलते हैं उसको। अच्छा। ये रेड कलर का है। अच्छा। एक्चुअली डेवलपिंग स्टेज पे है अभी। हाँ। और इसमें का जो ग्रीन है एक हफ्ते पास में अच्छा डेवलप हुआ है ये। अच्छा, इसके तो फ्लावर भी आ गए। अच्छा, फ्लावर भी आ गए। इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी होता है और दिखने के लिए भी इसमें 7-8 कलर आते हैं। अच्छा। अभी मेरे पास तो 2 है फिलहाल और कलेक्शन करना चालू है। सर इसका क्या नाम है सर? ये भी थोड़ा मुझे अलग दिख रहा है, मतलब आधे पत्ते जैसा दिख रहा है, जैसे फुल पत्ता होता है ना। हाँ हाँ, ये पिटूनिया। इसमें भी कलर आते हैं बहुत सारे। अच्छा। रेडिश आते है, एक पर्पल कलर का आता है, मगर अपने तरफ ये नर्सरी में अवेलेबल ज्यादा होती नहीं है, ऑनलाइन आते है। अच्छा। अगर ग्रुप रहा तो इसको एक्चुअली डेवलप करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चार अपने लिए चार दूसरे लिए तो हो सकता है सबके घर में इसकी वेरायटी बन जाएगी। प्लांट देख रहे हैं आप, ये केन पाम बोलते हैं इसको। अच्छा। देखने के लिए सुंदर दिखता है, अगर आप गार्डन में अगर लगाए उसको नीचे लगाए तो उसका बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होता है और दिखने के लिए भी अच्छा होता है। इसको झेड़झेड़ बोलते हैं। अच्छा। ये पौधे अभी झेड़झेड़, ये पहले ग्रीन ही मिलता था मगर अभी ये साल में हमको एक नया पॉट मिल गया है, तो ब्लैक नई वेरायटी लाई है। हाँ, उसमें से है वो झेड़झेड़ है मगर ब्लैक है। अच्छा। दिखने के लिए बहुत खूबसूरत है एकदम। जैसे ग्रीन है लेकिन बहुत पुरानी है, लेकिन हाँ पुरानी मतलब इसका एक बार पॉट भी चेंज किए थे हमने। अच्छा, रिपोर्टिंग किया। हाँ, एक 8-10 साल के पहले का था ये। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सर ने गार्डन को मेंटेन किया है। लगभग 20-30 साल पुराना इनका गार्डन है। अपने गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी, बिजी शेड्यूल होने के बाद भी इन्होंने थोड़ा काम किया हुआ है गार्डन के ऊपर। हाँ, ये पॉट में जो देख रहे हैं आप, ये एडिनियम का पौधा है एक्चुअल। इसको 10-12 साल हुए मगर पॉट छोटा होने के बाद में शायद उसका ग्रोथ नहीं हुआ है। उसके बाद में जो है वो लोलीना है, तो एक्चुअल वो नीचे लगाया करते हैं कि इसका जो बूंदा है वो बढ़ता है बढ़ता है, तो इसने कुंडली फोड़ दिया। आपको ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग करना पड़ेगा या तो फिर नीचे लगाना पड़ेगा, जमीन में लगाना पड़ेगा। सर ये प्लांट के बारे में बताइए, कुछ अलग दिख रहा है। सर एक्चुअल जब लेते हैं अपन तो मेरे को ऐसे बता था कि ये काठमांडू की तरफ फर होता है, अगर ये पहाड़ों पे होता है तो इसलिए उसकी जो रूट्स होती है ना ये ऐसी चलती है। अच्छा।
ऐसे पहाड़ पहाड़ के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर अपनी तरफ इसको फर बोलते हैं। अगर बूश ये अपना मेरी है तो ये पुराना एक्चुअल प्लांट है, ये इसमें से है ये शतावरी। अच्छा, मगर ये बूश टाइप हुआ है, इसका एक बेल चलता है। अरे एस्पराग्रास में का एक दूसरा है ये, इसको बूश एस्पराग्रास बूश है। सुंदर दिखता है एकदम। ये सुंदर दिखता है तुमची। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका जो प्रयास है लोगों का गार्डनिंग का शौक बढ़ना चाहिए, इसलिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।